स्केटर राहुल ना, क्या नाम है इसका? स्केटर, स्केटर राहुल, स्केटर राहुल, स्केटर राहुल प्रैंक। अगर मेरे बच्चे का नाम स्केटर राहुल होता तो मैं भी पिटाई करता। एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? तो गाइज, आज मैं करने जा रहा हूँ प्रैंक मेरे पापा के साथ। और मतलब मैं प्रैंक में ये बोलूँगा पापा को कि मेरी जो फ्रेंड है एक, वो मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है। तो गाइज देखते हैं फिर क्या होता है। और मैं बता दूँ, मेरे पापा थोड़े से गुस्से, जिस मतलब जब गुस्सा आता है तो भाई इतने लेवल पे, और जब प्यार करते हैं तो भी इतने लेवल पे भाई, मतलब गुस्सा भी पूरा है और प्यार भी पूरा है। तो बस गाइस, थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी पापा नीचे अभी दुकान पे हैं, तो यहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो 2 बजे सभी दुकानें सही कर देते हैं, और बस अभी 2 बजते ही पापा ऊपर आ जाएंगे दुकान से। आप देख रहे हो, एक तो पहले ही सेंटेंस में एस्टेब्लिश हो चुका है कि थप्पड़ पड़ने वाली है, ठीक है, और दूसरा लॉकडाउन के टाइम पे प्रैंक। मैं वही लॉकडाउन के टाइम कैसे प्रेग्नेंट किया किसी को भाई, थाली बजा के। तो गाइस फिर देखते हैं कि क्या होएगा, और बहुत डर लग रहा गाइस, बस वीडियो का एंड तक देखना। चलो मिलते हैं गाइस। अरे सॉरी, कह रहा पॉइंट आउट वन थिंग, ये कैसे लोगों को प्रेग्नेंट करते घूम रहा है? इसके फ्रिज पे डोरा दी एक्सप्लोरर का स्टिकर है। आर यू फकिंग किडिंग मी? एक मिनट, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओह माय गॉड, वाओ। एक सेकेंड ना, मैं जरा तुम्हें, पापा तो नहीं लग रहे यार ये। हाँ। और क्या? Hey! Hey! This is the point when he should have realized कि dangerous है अभी। पापा दुकान भी बंद हो गए, सब बोल रहे हैं। टीवी ऑन करियो। यार ये आदमी टीवी अपने लौंडे से ऑन करा रहा है भाई, ये कितना मारेगा इसको? टाटा स्काई भी टाइम लगा रहा है, इट्स ऑलरेडी लाइक पाइलिंग अप द एंगर। बाबा बाबा बाबा, हेलो। हां हां बोलो। उसने रिमोट पे से पॉलिथिन नहीं उतारा, और इस लड़के ने कॉन्डम नहीं पहना। बिटिया रानी को भी उसके बर्थडे पर दो दो लुक्स में तैयार किया। पहले तो एक मैजेंटी माला की तरह गुड़िया रानी को तैयार किया, और फिर शाम को एकदम बेबी प्रिंसेस लग रही थी रति की गुड़िया। उसने पैर दबाना शुरू कर दिया। फर्स्ट रिएक्ट, लुक एट इट्स फर्स्ट रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, क्या 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 हो गया? बाप इज लाइक, पक्का इसको पैसे चाहिए, 15 साल हो गए अफेक्शन दिखाए हुए। व्हाट इज दिस शिट, व्हाट आर यू डूइंग? यार जीन्स पहनने वाला बाप हो तो मैं तो सोचू भी ना ऐसा कुछ करने का। ये पापा को पता है कि ये पैर दबाने के बाद अक्सर कट जाता है पापा का। वो लॉजिकल था, एक बात करनी है क्या? वॉल्यूम तो कम करो। वो नहीं थी, एक लड़की सी, वर्षा मेरी फ्रेंड। लड़की सी वर्षा, जो मेरी मतलब क्लासमेट थी स्कूल में हुआ करती। मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी कई बार। अच्छा, क्या उसकी सरकारी जॉब लगी? इस जवाब के बाद तो उसे गिव अप करना चाहिए भाई, बहुत तगड़ा। फिर क्या उसकी शादी फिक्स होगी? हाँ, गुस्सा मत होना जी। फिर क्या बात होगी? कुछ बात बताएगा तभी पता चलेगा, गुस्सा होने वाली बात होगी तो गुस्सा भी हो जाएगा। क्या बात है जी? वो प्रेग्नेंट होगी जी। वो प्रेग्नेंट होगी, फिर इससे हमको क्या लेना देना है? फीट ऊपर से मसाज और कर दी उसकी की तेज लगे आके। ये उठा सही ना, ये माधुरी दीक्षित फ्रॉम दीदी तेरा देवर दीवाना टाइप से उठा हो, देखा दीदी तेरा। क्या बोल रहा है? पता है क्या बोल रहा है? आई थिंक इज अ न्यू कमर। आई थिंक पापा को पता नहीं है,
पापा को लगता है कि इसको पता नहीं प्रेगनेंसी की मतलब क्या है। इसलिए क्या बोल रहा है पता है, इसका मतलब तूने सेक्स किया है। पता है क्या बोल रहा है? मेरे से वो गलती हो गई। काम मारने वाले हाथ पहले मारा और वो टीवी में जो औरत है उसका भी नजर भटक गया। मेरे को नहीं पता था पापा जी। क्या नहीं पता था? क्या नहीं पता था? गलती हो गई पापा जी मेरे से। क्या नहीं पता था तुझे? अरे बेल्ट, ओ बेल्ट हैज कम। प्यार करते हैं तो भी इतने लेवल पे भाई। अरे आप लोगों की स्कूल लाइफ का नहीं पता मुझे, लेकिन ये जो पापा है ना इसकी औलाद की हिम्मत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बेल्ट उतारी है 0.01 सेकंड। मेरा पॉइंट है कि जिस जो बाप इतनी जल्दी बेल्ट उतार लेता है उसके साथ प्रैंक व्रैंक नहीं करने चाहिए, वो नहीं है दुकानदार। अग्रीड अग्रीड। आल्सो आई थिंक लड़का सेक्स के लिए इतनी जल्दी बेल्ट नहीं निकालेगा जितना बाप ने पिटाई के लिए निकाला। एक बेल्ट में फटली प्रेग्नेंट भी नहीं क्या मतलब?